गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। चलो आज हम लोग इंग्लिश में क्या लिखना सीखेंगे। कल मैंने आपको क्या सिखाया था? स्मॉल लेटर का क्यू। ओके, आज हम लोग स्मॉल लेटर का क्या लिखेंगे? क्यू के बाद क्या आता है? आर। तो चलो आज हम लोग स्मॉल लेटर में आर लिखते हैं, ठीक है? अपनी अपनी आप लोग भी कॉपी निकालोगे और जैसे जैसे मैम राइट करेंगे आप लोग भी पीछे से देखकर वैसे ही राइट करोगे। इससे आप लोग बहुत जल्दी लिखना सीख जाओगे। और मैंने आज देखा बहुत सारे बच्चे ने कॉपी सबमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया आप लोग? आप लोग घर में इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना? सिर्फ मस्ती मस्ती और मस्ती। सिर्फ प्ले करने से कैसे होगा बेटा, पढ़ना भी होगा ना। तो जो अभी अभी से होमवर्क जो जा रहे हैं कम से कम वो कंप्लीट करोगे, ठीक है? तो चलो पहले हम कैपिटल लेटर में एक आर लिख लेते हैं। तो कैसे लिखना है? हमें एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है और यहाँ से राउंड शेप यानी जैसे पी होता है और यहाँ से इसका छोटा सा टेल निकाल देना है। ये बन गया आपका कैपिटल लेटर का आर, ठीक है? अब हमें स्मॉल लेटर में आर लिखना है, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? पहले हमें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हमें मिडिल लाइन में पॉइंट बना लेना है कि हमें इसी लाइन से लिखना है ताकि हम भूल ना जाए। अगर आप मिडिल लाइन में ऐसे ऐसे पॉइंट डॉट बना लोगे तो लिखने में आसानी होगी और आपको पता भी चलेगा कि हमें किस लाइन से क्या लिखना है, ठीक है? तो हमें आर कैसे लिखना है? पहले हमें ऐसे सी, उल्टा सी जो होता है, छोटा सा सी बनाना और इसको टर्न करते हुए ऊपर की ओर ले आना। ये क्या बन गया आपका? स्मॉल लेटर का आर। आर फॉर क्या होता है? रैबिट होता है ना। फिर से देखो, पहले जो मैंने डॉट बनाया उसको मैंने ऐसे उल्टा सी बनाया ना। सी तो इस टाइप से होता है पर हमें उल्टा सी बनाना है और जहाँ से ये लास्ट हुआ यहाँ से इसको मोड़ दो यानी कि टर्न कर दो ऊपर की ओर। क्या बन गया आपका? ये स्मॉल लेटर का आ, ठीक है? अगर नहीं लिखना आ रहा हो ऐसे, आपको अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर हम डॉट देकर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें अपनी पेंसिल को यानी कि अपने स्केच को जैसे मैं चला रही हूं वैसे आप भी अपने पेंसिल को ड्रॉ करोगे सारे डॉट पे। तो क्या बन गया आपका? आर। आर फॉर क्या होता है? रैबिट। बाकी जो पेज है होमवर्क है। और सिर्फ मैम होमवर्क होमवर्क बोल रही है, आप लोग सारे होमवर्क को कंप्लीट करोगे क्योंकि मैम कॉपी चेक करने वाली है, ठीक है? जो बच्चे ने कॉपी सबमिट नहीं किया है उनकी कॉपी अब चेक ही नहीं हो पाएगी, फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट मैथ। मैथ्स में आज हम लोग क्या लिखेंगे? लास्ट मैंने आपको 6969 सिखाया। 6969 के बाद क्या आएगा बोलो? यस, 7070। तो हमें पहले 7070 को लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना है? पहले हमें 7 लिखना है और देन उसके बाद हमें 0 बनाना है। तो क्या बन गया आपका? 7070। फिर से देखो, पहले हमें 7 लिखना है और उसके बाद हमें 0 बनाना है। तो क्या बन गया आपका? 7070। फिर से देखो, 7 and 0, 7070, ठीक है? अब हम डॉट देकर लिखेंगे। पहले हमें 7 and 0, 7 and 0, 7 and 0, 7 0, ठीक है? अब सारे डॉट को एक दूसरे से मिला दो। क्या बन गया आपका? 7070, 7070। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हिंदी। हिंदी में हम लोग आज क्या लिखेंगे?
हा के बाद क्या आता है? हा के बाद क्या आता है? छ। वो छतरी वाला छ नहीं, ये छत्रिया वाला छ लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा मुश्किल है, पर आप लोग अगर घर में ट्राई करते रहोगे तो जल्द ही सीख जाओगे। पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, सीधी सी लाइन, और ठीक इसके मिडिल में, यानी कि दो लाइनों के जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच में आएगा, वहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। फिर इसको ऊपर की ओर ले जाकर नीचे से इसको मोड़ लेना है। तो क्या बन गया आपका? ये छ। छ से क्या होता है? छत्रिया। फिर से देखो, पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करो छोटा सा, और इसको ऊपर की ओर लाकर नीचे से इसे टेल निकाल लो। बन गया आपका ये छ। फिर से देखो लाइन ड्रॉ, उल्टा ना हो गया ना ऊपर की ओर, अगर हम इधर से करेंगे तो ना, और द जैसे लिखते हो द बना दो। तो बन गया आपका ये छ। छ से छत्रिया। अगर आपको नहीं आ रहा है, बार बार देखोगे और लिखने की प्रैक्टिस करोगे। चलो अब मैं आपको डॉट देकर बताती हूँ। आप इस पे अपनी पेंसिल को ड्रॉ करो। छ। छ से छतरी। थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, पर आप लोग कोशिश करोगे तो लिखना सीख जाओगे, ठीक है? बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। रोज आप लोग को ऑनलाइन क्लास चलता है 8 o'clock। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, ब्राइटलाइन के ऐप में जाओगे, वहां से लिंक ढूंढोगे, नर्सरी का लिंक होगा, और फिर उसी लिंक से आप ऑनलाइन क्लास यानी कि लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग है 8 o'clock। बाय बाय।